फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू एडुकेटसन। सबसे पहली बात ये कि इस क्वेश्चन को देख के काफ़ी लोग के खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि बहुतों को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रुलाता है और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ये पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, तीन बॉल है जो कि आपका एक सिलेंडर के अंदर आपका है, एक दूसरे के ऊपर टिका हुआ है। ये जो हम लोगों ने पिछला वीडियो किया था डबल बॉल वाला, उसी से आपका मतलब पूरा का पूरा कंसेप्ट है। देखिए, वेट दिया हुआ है आपका, ए का आपका वेट दिया है 75 न्यूटन, बी का दिया 200 न्यूटन एंड सी का दिया 100 न्यूटन। एंड साथ ही साथ आपका जो रेडियस की बात है तो रेडियस सी ए का दिया 100 mm और बी का 150 और सी का 125। ठीक है, तो सब कुछ दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसे सॉल्व करके देखते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों बॉल बना लेते हैं, तीनों बॉल बना लेते हैं, उससे आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि बॉल मैंने रेडी कर लिया। चलिए किसी एक बॉल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं बॉल ए से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बॉल ए पे पहले ध्यान से देखिए, बॉल ए का खुद का इसका लोड है, खुद का लोड इसका कितना है, बॉल ए का आपका है 75 न्यूटन। तो 75 न्यूटन मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ, तो ये आपका हो गया 75 न्यूटन। तो ये हो गया आपका 75 न्यूटन का इसका बॉल का वेट आ गया खुद का, ये हो गया। दूसरा आप देखिए यहाँ पे, तो ये बॉल जो है यहां से टच है और एक यहां से टच है, तो सरफेस यहां से एक है एक यहां से, तो इसका मैं ले लेता हूँ R1 और इसको ले लेता हूँ R2। तो ये आपका जो है परपेंडिकुलर आपका ये हो गया आपका R1 और इसके कारण आपका जो रिएक्शन लगा वो हो गया आपका R2। ठीक है, तो ये हो गया R1 R2। अब आता है ये हो गया, उसके बाद ये जो बॉल है, इस बॉल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस बॉल को मैं स्टेशनरी रखूंगा और इस बॉल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये बॉल के लिए ये बॉल क्या है, सरफेस है, तो ये बॉल जो है उसको प्रेशर लगा रहा है, तो रिएक्शन इसका कहाँ मिल रहा है, इसके अपोजिट मिल रहा है, यानी कि रिएक्शन आपका इस साइड होगा जो कि आप मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग R3। ठीक है, R3 देते हैं। अब बात यह है कि R3 कितने एंगल पे है, ये मेन चीज है, तो हम लोग को R3 का एंगल नहीं मालूम, तो R3 के एंगल के लिए हम लोग स्ट्रगल करेंगे, तब बाद में देखते हैं, पहले हम लोग सारा चीज सेटअप कर लेते हैं, पहले रिएक्शन हम लोग सेटअप कर लेंगे फिर हम लोग एंगल के लिए खेलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इस बॉल की, बॉल बी। तो देखिए, सबसे पहले जो आपस में टच हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं, इक्वल एंड अपोजिट वाला केस पहले देखते हैं। तो जैसे कि आपका ये बॉल इसको प्रेशर कर रहा है तो रिएक्शन यहां लग रहा है, तो सेम वे अगर ये बॉल इसको प्रेशर दे रहा है तो रिएक्शन इस साइड लग रहा है, तो इसका अपोजिट लगा, तो ये हो गया आपका R3। ठीक है, और एंगल उतने ही रहेगा, एंगल आपका उतना ही रहेगा जितने एंगल पे ये आपका होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट वाला सिस्टम है। एक हो ये हो गया, उसके बाद एक आपका बॉल जो है, ये बॉल भी जो है यहां सरफेस पे टच हो रहा है, तो एक रिएक्शन यहां लगेगा, तो ये मान लीजिए आपका R4 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका R4। इसका खुद का जो लोड है, तो बॉल बी का लोड जो है आपका 200 न्यूटन है, तो ये आपका हो गया 200 न्यूटन। उसके बाद बॉल बी जो है ध्यान से देखिए, इस सरफेस से भी टच है, तो इसको रिएक्शन आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो रिएक्शन ये हो गया आपका R4 हो गया था, ये हो गया R5 हो गया। अब एंगल इसका कितना होगा, ये एंगल बाद में देखा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं बॉल सी का, तो बॉल सी का वेट कितना है, 100 न्यूटन। तो बॉल सी का वेट कितना है आपका, 100 न्यूटन। तो ये हो गया 100 न्यूटन आपका बॉल सी का, हम लोग वेट लगा दिए। ठीक है, तो ये हो गया बॉल सी का वेट हो गया, तो बॉल सी का ये वेट हो गया। अब देखिए, बॉल सी जो है बी से आपका अटैच था, तो इसीलिए जो इस पे रिएक्शन लगा उसी का अपोजिट रिएक्शन इस पे भी लगेगा, तो जैसे कि यहाँ पे R5 लगा है, तो इसी के अपोजिट आपका यहाँ पे आपका R5 लगेगा, तो ये हो गया आपका R5। एंगल क्या होगा, एंगल हमें नहीं पता, एंगल बाद में डील करेंगे। अब देखिए, ये सी जो है, बॉल सी जो है यहाँ सरफेस से अटैच है, तो इसका रिएक्शन यहाँ लगेगा, तो रिएक्शन लगेगा, तो ये क्या हो गया R6। तो ये हो गया आपका पूरे बॉल का सिस्टम हम लोग सेट कर दिया। अब बात आता है एंगल का, तो एंगल के लिए हम लोग खेल खेलना पड़ेगा, तो एंगल के लिए खेल कैसे खेलेंगे, तो एंगल के लिए चलिए खेल खेलते हैं कि कैसे हमको एंगल निकालना है, क्योंकि मेन चीज है एंगल निकालना, अगर एंगल आप सिस्टमेटिक निकाल ले तो सब कुछ सही। तो चलिए एंगल निकालते हैं। तो एंगल निकालने के लिए पहले एक चीज देख लीजिए कि ये जो बॉल का सिस्टम है इसको पहले सेट सही से करते हैं। देखिए, इस में दो एंगल आएगा, एक आएगा आपका इन दोनों के बीच में, इस बॉल के
बीच का एंगल होगा ये दो बॉल के बीच का आएगा, और दूसरा आपका एंगल आएगा ये दो बॉल के बीच का एंगल, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें दो ट्रायंगल कन्वर्ट होगा, दो ट्रायंगल कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया एक ट्रायंगल, ये हो गया, और एक ट्रायंगल आपका ये हो गया। तो यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि आपका एक यहाँ पे आएगा थीटा, मान लीजिए थीटा वन, और यहाँ पे आएगा आपका थीटा थीटा टू, ठीक है। तो ये दोनों एंगल को हमको निकालना है। तो ये दोनों एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये हो गया ए बी, और ये इसको मान लेते हैं बी डैश, और ये मान लेता हूँ सी डैश, ठीक है। तो दो ट्रायंगल हम लोग को जनरेट हुआ। दो ट्रायंगल के बारे में, तो पहले एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। तो पहला एक ट्रायंगल हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं आपका, ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये हो गया सी डैश, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका थीटा टू, थीटा टू। तो यही हमको एंगल निकालना है। तो देखिए हमको आपको साइज जानना पड़ेगा कि कुछ साइज तो चाहिए ना, बिना साइज के तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो है और ये जो है ये क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये बॉल सी का रेडियस है और ये बॉल बी का रेडियस है। दोनों को जोड़ने से आपका ये सेंटर टू सेंटर आपका जुड़ा हुआ है। तो बॉल सी का रेडियस कितना है, तो बॉल सी का रेडियस है हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 125 mm, और बॉल बी का रेडियस है 150 mm। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया 125 + 150, यानी कि ये टोटल कितना हो गया 275 mm। तो ये आपका साइज हमें मिल गया 275 mm। अब बात आती है इसकी, तो इसका कितना है साइज। तो इसके साइज के लिए हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल कैसे करेंगे कि ये मान लीजिए आपका, ये ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे चले जाते हैं। तो ये ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। ध्यान समझिए कि टोटल है 450, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है, इसका रेडियस जो है ये है 125, और इसका जो रेडियस है वो है आपका 150। तो देखिए अगर मैं 450 में से 125 और 150 को दोनों को प्लस करके इसमें माइनस कर दूं तो आपका मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। टोटल 450 है, ये 125 माइनस कर दो और 150 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 450 माइनस 275। तो ये माइनस कर देता हूं तो क्या हो जाएगा आपका, 450 माइनस 275। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे हम लोग, तो ये हो गया 175। तो ये हमारा वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा निकालना है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा किस किस पैटर्न में है भाई। तो एक बेस और एक क्या है, हाइपोटेनस है। तो चलिए बेस और हाइपोटेनस में क्या लगता है, कॉस। तो कॉस थीटा टू इज इक्वल टू, थीटा टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस। बेस कितना है आपका, 175 अपॉन हाइपोटेनस 275। तो आपका थीटा टू निकल जाएगा, थीटा टू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 175 अपॉन 275। तो थीटा टू निकाल लेते हैं, थीटा टू की वैल्यू क्या आ रही है, सो थीटा टू की वैल्यू हमारी आ गई 50.47 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थीटा टू निकल गया। अब हम लोग खेलते हैं थीटा वन के लिए। तो थीटा वन के लिए चलो फिर से फिगर पे चलते हैं हम लोग। तो थीटा वन के लिए हमारा फिगर ये है आपका, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम लोग एज्यूम करते हैं, इसको हम लोग रिजोल्व करेंगे। तो ये आपका ट्रायंगल है, जो कि ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये है आपका बी, और ये हो गया आपका बी डैश, और दिस वन इज ए, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका ये जो है थीटा वन है, तो ये आपका क्या हो गया, थीटा वन, थीटा वन, ठीक है। तो थीटा वन हमारा है, थीटा वन हो गया। अब हम ये साइज निकालेंगे। ये साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे इस साइज के बारे में। तो देखिए ये रेडियस है इसका, और ये रेडियस है इसका, बी का रेडियस ये और ए का रेडियस ये। तो हम भैया देखते हैं ए का और बी का रेडियस कितना है। तो ए का रेडियस जो है आपका 100 और बी का 150 है। तो ए का रेडियस कितना है आपका, 100 है, 100 आपका रेडियस है ए का, और बी का कितना है 150। यानी कि अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 150, यानी कि ये हो गया 250 mm, 250 हो गया। तो 250 mm का ये साइज हो गया। अब बात आती है कि हमें ये साइज निकालना है, ये साइज निकालना पड़ेगा। तो ये साइज के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे चलते हैं, ठीक है, नीचे चलते हैं और हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये टोटल 450 है, तो 450 माइनस 100 यहाँ का और 150 यहाँ का, यानी कि टोटल 250 में माइनस कर दूं, तो ये आपका जो साइज है ये आ जाएगा। तो 450 माइनस 250 यानी कि 200 आ गया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है,
वो 250 और यहाँ 200, तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से, थीटा वन निकाल लें। तो थीटा वन के लिए क्या होगा, कॉस थीटा वन इज इक्वल टू क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है आपका 200 अपॉन हाइपोटेनस है 250, सो थीटा वन इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 200 अपॉन 250, सो थीटा वन इज इक्वल टू, तो थीटा वन की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो थीटा वन की वैल्यू हमारी आ गई 36.86। तो देखिए हमारा एंगल आ चुका है थीटा वन 36.86 और थीटा टू 50.47, यानी कि थीटा वन जो है आपका यहाँ का वैल्यू है और थीटा टू यहाँ का वैल्यू, यानी कि बी और सी में आपस में जो रिएक्शन होगा उसमें थीटा टू लगेगा और बी और ए में जो आपस में रिएक्शन होगा उसमें थीटा वन लगेगा। तो देख सकते हैं कि आपका ए और बी में जो रिएक्शन था वो था हमारा ये, तो इसमें हमारा क्या लगेगा, थीटा वन लगेगा। तो ये हो गया आपका 36.86, यहाँ पे 36.86 और ये हो गया 36.86 और ये हो गया 50.47 और ये भी हो गया आपका 50.47। तो ये आपका एंगल सेट हो गया, एंगल निकाल लिए। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे मतलब क्वाड्रेंट सिस्टम में लेके जाएंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम में और रिजोल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा मेन चीज वही आता है कि हम लोग सबसे पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे, कौन से कलर बॉल से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, ए की बात करूं, तो एक दो तीन, तीन अननोन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कलर अननोन्स कितने इस पे, तीन अननोन है, तो भैया पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। यहां पे जाते हैं एक दो तीन, तीन तीन अननोन है, नॉट पॉसिबल। तो यहां पे जाते हैं R5 R6, दो अननोन है, तो भैया पॉसिबल है। यहां से हम लोग पहले सॉल्व कहां करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे, तो इसमें R5 R6 निकल जाएगा। यहां जब सॉल्व हो जाएगा तो फिर यहां सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें R5 नोन रहेगा तो R3 R4 निकल जाएगा, और जब यहां सॉल्व करेंगे तो R3 नोन हो जाएगा, तो R3 नोन होने के बाद R1 R2 निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा पॉइंट सॉल्व बॉल लेके सॉल्व करेंगे, तो वो होगा आपका बॉल सी। तो चलिए बॉल सी का हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। तो बॉल सी ले लिया हम लोग, अब बॉल सी ले लिया तो हम लोग इसको रिजोल्व कर लेते हैं। तो रिजोल्व क्या होगा, ये हो जाएगा आपका R5 cos 50.47 और ये हो जाएगा R5 sin 50.47 डिग्री। तो ये हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीशन fx इक्वल टू जीरो x डायरेक्शन में चलते हैं। तो x डायरेक्शन में क्या आएगा, R5 cos 50.47 प्लस R6 इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या आएगा, इक्वेशन आपका आ जाएगा R5 और R6 का, तो ये हो गया 0.636 आपका R5 प्लस R6 इज इक्वल टू जीरो। तो भैया इक्वेशन ये बन गया हमारा 1, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इस इक्वेशन 1 से हम लोगों को सॉल्यूशन तो मिला नहीं, हम लोग चलते हैं समीशन FY पे। समीशन FY पे चलते हैं, समीशन FY इक्वल टू जीरो, वाई की डायरेक्शन में देखते हैं तो क्या हो गया, R5 साइन 50.47 ऊपर जा रहा है और 100 नीचे जा रहा है, तो R5 साइन 50.47 माइनस 100 इज इक्वल टू जीरो, तो R5 इक्वल टू कितना हो गया भाई, 100 अपॉन साइन 50.47। तो ये आपका आ गया। तो यहां से हम लोग को R5 की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 129.65 न्यूटन। तो ये हमारा वैल्यू आ गया R5 का, तो R5 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग R5 की वैल्यू आने के बाद अगर हम लोग इसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारा R6 आ जाएगा, तो R6 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने पुट किया, तो पुट करने से हमको R6 की वैल्यू आ जाएगी। R6 की वैल्यू हमारा जो है इक्वेशन 1 में R5 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका R6 का जो वैल्यू है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा, जो कि 82.46 आएगा, 82.46 न्यूटन। तो ये आपका क्या मिल गया, R6 की वैल्यू मिल गई। तो हमारा पहला जो पार्ट था वो हमारा सॉल्व हो गया, पहला बॉल जो है आपका सॉल्व हो गया, तो R6 मिल गया, R5 मिल गया। तो अब हम लोग चलेंगे कि R6 और R5 के बाद हमारा जो बॉल है, ध्यान से देख सकते हैं कि हमारा R5 हो गया नोन, R6 हो गया नोन, R5 R6 नोन हो गया, यानी कि इस बॉल में हम जा सकते हैं क्योंकि हमारा पास R5 की वैल्यू है, हमको निकालना R3 है और R4 है। तो अब हम लोग बॉल किस पे जाएंगे, B में जाएंगे। तो बॉल B को हम लोग सॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको सेट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं।
बॉल भी ले लेते हैं। बॉल भी लेने के बाद हम लोग ये जो है आपका सेटअप रेडी कर दिया। अब हम लोग इसको क्या करके रिजॉल्व कर लेंगे। तो रिजॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे आर थ्री का साइन 36.86 और यहाँ मिलेगा हमको आर थ्री कॉस 36.86 और यहीं पे मिलेगा हमको आर फाइव कॉस 50.47 और यहाँ मिलेगा हमको आर फाइव साइन 50.47। तो ये हमको रिजॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई पे। तो समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो एक्स डायरेक्शन में देखते हैं तो एक्स डायरेक्शन में है माइनस आर फोर प्लस आर थ्री कॉस 36.86 प्लस आर फाइव कॉस 50.47 इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया माइनस आर फोर और ये हो जाएगा आपका आर थ्री कॉस 36.86 का वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये आपका हो गया 0.80 आर थ्री और ये हो जाएगा आपका प्लस आपका आर जो आर फाइव की वैल्यू है उसको पुट कर लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका 129.65 वैल्यू आया था आपका आर फाइव का तो इंटू आपका कॉस 50.47 कॉस 50.47 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपका इक्वेशन बन जाएगा माइनस आर फोर प्लस 0.80 आर थ्री और ये इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 82.51 ये आपका 82.51 पे कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो इसको थोड़ा और रिजॉल्व कर लेते तो ये हो जाएगा आर फोर माइनस आर फोर प्लस 0.80 आर थ्री एंड इक्वल टू माइनस 82.51 ये आपका एक इक्वेशन जनरेट हो गया। इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे जो भी है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं। अब इससे हम लोग आगे समीशन एफ वाई निकाल लेते हैं। समीशन एफ वाई क्या होगा आपका एफ वाई इक्वल टू जीरो क्या होगा आर थ्री ऊपर जा रहा है आर थ्री साइन 36.86 माइनस 200 माइनस आर फाइव साइन 50.47 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं तो ये हो गया आपका आर थ्री साइन 36.86 इज इक्वल टू 200 प्लस आर फाइव की वैल्यू हमको मालूम है आर फाइव की वैल्यू जो है हमारा कितना है 129.65 इंटू साइन 50.47 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे आर थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 प्लस 129.65 इंटू 50 ये इक्वल टू जीरो नहीं होगा इक्वल 50.47 ओ सॉरी साइन 50.47 अपॉन आपका आ जाएगा साइन 36 साइन जो जाएगा ये आपका होगा 36.86 तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे तो इससे हमको आर थ्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ रही है आर थ्री की वो आ रही है आपका 500 न्यूटन। तो ये आपका आ गया आपका आर थ्री का वैल्यू आ गया आपका 500 न्यूटन। तो इस 500 न्यूटन जो आर थ्री की वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर देते हैं आपका इक्वेशन टू में तो हम लोग को मिलेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर थ्री इन इक्वेशन टू वी गेट हमें क्या मिलेगा माइनस आर फोर इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस 82.51 माइनस 0.80 इंटू आर थ्री 500 ठीक है। तो यहां से वैल्यू हमको मिल जाएगी किस चीज की आर फोर की तो यहां से हमें वैल्यू मिल रही है आर फोर की 482.51 न्यूटन। तो ये हमें मिल गया आर फोर मिल गया हमें आर थ्री मिल गया आर फोर मिल गया तो
तो ध्यान से देख सकते हैं कि अगर हम लोग मेन फिगर की बात करें तो मेन जो हमारा जो फिगर था उसमें ये ध्यान से देख सकते हैं कि आपका R3 नोन, आपका R4 नोन, तो हमारा देखिए R5, R6, R3, R4 नोन हो गया। अब बचा क्या हमारे पास R1 एंड R2। तो R1 एंड R2 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमें, बॉल A में। तो चलिए बॉल A का हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम सेट कर लेते हैं और इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे R1 और R2। तो ये हम लोग बॉल A ले चुके हैं, बॉल A को हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा R3 cos 36.86 और ये हो जाएगा आपका R3 साइन 36.86। तो ये यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं समीशन एफएक्स और एफवाई। समीशन एफएक्स इक्वल टू जीरो, एक्साइशन में फोर्स लेते हैं तो एक्साइशन में क्या होगा आपका माइनस R3 cos 36.86 और प्लस R2 इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास R3 की वैल्यू है, हम R3 की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो R3 कितना है, माइनस 500 इंटू कॉस 36.86 प्लस R2 इज इक्वल टू जीरो। सो R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 500 इंटू कॉस 36.86। तो यहाँ से हम लोग R2 की वैल्यू निकाल लें, तो R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमारा R2 का जो वैल्यू आ रहा है वो है 400 न्यूटन। तो हमारे पास R2 भी नोन हो गया। अब हम लोग R1 के लिए खेलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे सबमिशन FY इक्वल टू जीरो। तो Y डायरेक्शन में चलते हैं, Y डायरेक्शन में आपको क्या है R1 ऊपर है और नीचे 75 और R3 साइन 36.86। तो हम लोग क्या करेंगे R1 माइनस आपका 75 हो गया माइनस R3 साइन 36.86 इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास R1 इज इक्वल टू हो गया 75 प्लस R3 की वैल्यू है हमारा 500, तो 500 इंटू साइन 36.86। तो इसे हम लोग R1 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा R1 आ गया, R1 हो गया हमारा 374.93। तो यानी कि हमारा जो वैल्यूज है वो आ गया R1 इज इक्वल टू 374.93 न्यूटन, R2 हमारा आ गया R2 इज इक्वल टू 400 न्यूटन, R2 आ गया। उसके बाद आपका R3 जो था वो था आपका R3 इज इक्वल टू 500 न्यूटन, R4 जो है आपका 482.51 न्यूटन। उसके बाद आपका R5 की जो वैल्यू आई थी वो आपकी थी R5 इज इक्वल टू 129.65 न्यूटन, और R6 जो आया है वो है आपका 82.46 न्यूटन। तो ये आपके पूरे सॉल्यूशन हो गए, पूरे के पूरे वैल्यूज आपके नोन हो चुके हैं। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस इसका एक चीज ध्यान रखिएगा, एंगल अगर आपने सही से कैलकुलेट कर लिया तो बस आपका सारा काम कंप्लीट। तो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस टिल द एंड एंड प्लीज कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।